साम्राज्य पदमीषे धर्म चक्र भृते भर्त्रे संसार पदमीषे अभी आदि पुराण में चल रहा सरस्वती देवी का वर्णन था आदि पुराण किसका जिनसे ना चाहिए नहीं नहीं उसको वो लाला राम शास्त्री जी का था और एक पंडित पन्नालाल साहित्यचार्य जी का तो अभी हमने ज्ञानपीठ वाला खोला है प्रथम संस्करण खोला और इसमें थोड़ा सा अक्षर साफ सुथरे बाद वाले संस्करण में थोड़ा सा स्कैनिंग में धुंधले हो गए तो इसमें ही अपन पढ़ रहे थे कल महापुराण कि ये महापुराण ही नाम है ग्रंथ का आदि पुराण तो बोलने लगे अपन आदि पुराण उत्तर पुराण मूलतः उसका नाम महापुराण है तो इसमें चर्चा ये थी कि जो सरस्वती देवी है उस सरस्वती देवी का जैन धर्म में क्या वर्णन है और क्या स्थान है क्योंकि सरस्वती देवी की मान्यता जैन जैनेतर सर्वत्र है तो यहां पर आचार्य जिनसेन स्वामी पहली बात तो ये अपने को ध्यान में रखना है कि आचार्य जिनसेन स्वामी आठवीं शताब्दी के आचार्य और ये आचार्य इतने बड़े विद्वान थे इनके विषय में डॉक्टर एन उपाध्याय में डॉक्टर एन उपाध्याय बहुत बड़े विद्वान थे दक्षिण के उन्होंने अपनी अंग्रेजी उनकी जीवनी में उनके परिचय में एक वाक्य लिखा है He was more an institution than an individual. वो व्यक्ति नहीं थे पूरी संस्था थे माने इतने बड़े ज्ञान के भंडार थे जिनसे ना चाहे कि उनको अपन व्यक्ति नहीं कह सकते पूरा इंस्टीट्यूशन था पूरे विश्वविद्यालय थे वो अकेले He was a great disciple of a greater guru भी इसे ना चाहे फिर दूसरा वाक्य क्या लिखा तो एक महान शिष्य थे एक महान से महान गुरु के जिनका नाम वीर सेन आचार्य तो जिनसेन आचार्य महाराज
और उनके आदि पुराण को लेकर के कोई भी अन्यथा धारणा किसी के चित्त में आ गई हो तो अपनी आत्मा के हित के लिए उसको तत्काल विसर्जित करने योग्य, उसका विसर्जन तत्काल करने योग्य, चाहे वो जनेऊ को लेकर के हो, चाहे और किसी भी विषय को लेकर के हो, क्योंकि ये जिनसेन आचार्य वो आचार्य हैं जिनके गुरु वीरसेन आचार्य महाराज ने धवला और जय धवला की रचना की थी, लेकिन जय धवला के 20,000 ग्रंथाकर अर्थात श्लोक प्रमाण उन्होंने वचन पूर्ण किए और उनकी संलेखना का समय आ गया वीरसेन आचार्य की, तो अभी वो ग्रंथ अधूरा रह गया। यानी आप समझ लो कि एक त्रिभाग हो पाया जय धवला टीका का, दो त्रिभाग बाकी रह गए, 2/3 जिसको आज के अंग्रेजी भाषा में कहेंगे, 1/3 हिस्सा वीरसेन आचार्य महाराज ने लिख दिया 20,000 श्लोक प्रमाण, और अभी 40,000 श्लोक प्रमाण बाकी रह गए। तो फिर उनने अपने सबसे अधिक पात्र शिष्य जिनसेन आचार्य को वो कार्य संपन्न करने के लिए, और जिनसेन आचार्य महाराज ने पूरी जय धवला को संपन्न किया। तो जय धवला के रचनाकार या आदि पुराण के कर्ता, उनके प्रति अश्रद्धा करना उससे अच्छा अजैन बन जाना है। कम से कम अश्रद्धा करके दुर्गति तो नहीं होगी, वो थोड़ा बहुत पुण्य कमाकर देव तो बन सकता है, फिर कोई संगति मिल गई तो जैन बन सकते हैं, लेकिन अपने पूर्वाचार्य पर कुछ कुतर्क करने वालों की वाणी सुनकर या उनके लेख पढ़कर आप अश्रद्धा कर लो तो आत्मघात से भी बढ़कर की घटना, क्योंकि आत्मघात में जीव एक बार मरता है और मिथ्यात्व से अनंत बार मरता है। तो आचार्य जिनसेन स्वामी क्या कह रहे हैं, उनके गुरु ने क्या कहा था, कल अपन ने दो गाथाएं पढ़ी, धवला का मंगलाचरण भी अपन ने पढ़ा था, उसमें उन्होंने सरस्वती देवी को क्या कहा था, उनकी विनय देख करके अपन अपने को लगता है कि अपन इतने कम जानकार होकर के भी उन जितनी विनय नहीं कर पाते, और वो इतने महान ज्ञानी होकर के भी आदि अंत और मध्य से रहित पवित्र शरीर जिनका, ये स्त्रीलिंग का षष्ठी प्राकृत भाषा में, और चतुर्थी के स्थान पर इसका प्रयोग किया गया है। नमः शब्द के साथ चतुर्थी होती है, लेकिन यहां पर षष्ठी का प्रयोग चतुर्थी के स्थान पर किया गया। अंग और अंग बाह्य, अंग आप जानते हैं 12 अंग होते हैं, द्वादशांग जिसको कहते हैं, आचार अंग, सूत्रकृत अंग, स्थान अंग, समवाय अंग, व्याख्या प्रत्यय, यात्रिकथा, फिर उपासक अध्ययन, अंतकृत दशांग, अनुत्तर उपाधि दशांग, प्रश्न व्याकरण, और फिर विपाक सूत्र और अंत में दृष्टिवाद, ऐसे 12 अंग होते हैं। और इन 12 अंगों के जो ज्ञाता होते हैं वो मंद बुद्धि शिष्यों का उपकार करने के लिए इन 12 अंगों का संक्षिप्त सार अंग बाह्य में प्रकट करते हैं। तो 12 अंगों के ज्ञाता होते हैं जो उसको अंग बाह्य के रूप में निकालते हैं, अंगों से जो बाहर निकाला है उसको अंग बाह्य कहा है। और वो होता वही विषय है,
उसके 14 भेद है। सामायिकम चतुर्विंशति स्तवम वंदना प्रतिक्रम वैनिकम कृतकर्म च पृथुदश वैकालिकम उच्चत वरमुत्तराध्ययनम। फिर क्या है? वरमुत्तराध्ययनम श्रुत भक्ति में मतलब जो मंद बुद्धि जीवों के लिए उपकारक है वो सारा विषय उसमें आ जाता है इन 14 भेदों में अंग बाह्य। तो अंग और अंग बाह्य से रचित है आदि मध्य और अंत से रहित पवित्र शरीर जिनका, और जो चक्षुर्मयी है चक्षुमयी आए, संस्कृत में उसका रूप चक्षुर्मयी बनेगा। और यहां प्राकृत में उन्होंने षष्ठी का प्रयोग किया तो चक्षुर्मयी है द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नय रूपी जिनके नेत्र है सरस्वती माता, ऐसी सूय देवय अम्बाए श्रुत देवी रूपी अम्मा माता उनके लिए सया नमो सदा नमस्कार। जैसे आचार्य महाराज ने नमस्कार किया तो देवी रूप में नमस्कार किया। अब उनके शिष्य यहां क्या लिख रहे हैं जो अपन पढ़ रहे थे अभी, वो लिख रहे हैं श्रुत देव्या हितस्त्रैण प्रयत्ना बोध दीपिका तवैषा प्रज्वलत्युच्चैर द्योतयंती जगत गृहम। तव एषा बोध दीपिका, हे गणधर देव, हे गौतम स्वामी, आपकी ये बोध रूपी जो दीपिका है, दीपक बड़ा होता है दीपिका छोटी होती है। अब वहां पर केवल महावीर स्वामी भी बैठे हुए हैं ना, इसलिए वो ऋषि लोग जो गौतम स्वामी की स्तुति करने को तत्पर हुए हैं वो गौतम स्वामी के ज्ञान को दीपिका कह रहे हैं। भले ही उनके जो चार ज्ञान है वो संपूर्ण जगत को जानने में समर्थ, लेकिन केवल ज्ञान से दीपक है और ये दीपिका है उस अपेक्षा से। तो आपकी ये जो ज्ञान रूपी दीपिका है हे गणधर देव, वो कैसी है? श्रुत देव्या हितस्त्रैण प्रयत्न, श्रुत देवी अर्थात सरस्वती के रूप में आहित अर्थात प्राप्त किया है स्त्रैण प्रयत्न, स्त्री की प्रवृत्ति को जिसने, स्त्री की पर्याय को जिसने, अर्थात वो जो भगवान गणधर के जो ज्ञान, भगवान का जो ज्ञान है, गणधर देव का जो ज्ञान है वो सरस्वती देवी के रूप में प्रवृत्त हुआ है, तो वह उच्चैर जगत ग्रहम उच्चैर द्योतयंती प्रज्वलती, जगत रूपी घर को उत्कृष्ट रूप से प्रकाशित करती हुई प्रज्वलती प्रकाशमान हो रही है सरस्वती। फिर यहां पर एक प्रश्न आ सकता है कि जो जिनेंद्र भगवान की दिव्य ध्वनि है उसको सरस्वती माने कि ना माने, तो मूल सरस्वती तो जिनेंद्र भगवान की वाणी है, पर उस वाणी को गणधर महाराज ने द्वादशांग रूप वर्गीकृत किया है, तो वो जो वर्गीकरण है वो सरस्वती देवी के वस्त्र आभूषण अधिक तिलक वगैरह सबके रूप में विभाजित हो सकता है, इसलिए वो 12 अंगों को सरस्वती के रूप में स्वीकार किया जाता है। मूलतः तो दिव्य ध्वनि ही आगम है, दिव्य ध्वनि ही श्रुत है, दिव्य ध्वनि ही शास्त्र है। अपन देखिए इसको अलग अलग प्रकार से समझते हैं, एक बार अपन देख भी चुके पहले कि ये शास्त्र शब्द है, श्रुत शब्द, ग्रंथ शब्द और एक आगम शब्द, ये चार शब्द। इन चार शब्दों का तात्पर्य क्या हो सकता है? शास्त्र, शास्ता शास्ती इति शास्त्रम। शास्ता कौन है? जिनेंद्र भगवान शासक,
जिन शासन के शासक कौन है? जिन तीर्थंकर। तो शास्ता शास्ति, वो जो शासन कर रहे हैं वो शास्त्र है, अर्थात उनकी जो दिव्य ध्वनि है वो शास्त्र है। आप तो पज्ञ मनुल्लंघ्य मधुश्रेष्ठ विरोधकम। देखिए पहले आप शब्द को लिया संबंध भद्र स्वामी ने, आप्तेन आदो उपज्ञातम इति आप्तो पज्ञम। सर्वप्रथम आप्त ने उसको उपज्ञात किया, दिव्य ध्वनि द्वारा प्रकट किया, प्रस्तुत किया। अदृष्टेष्ट विरोधकम, दृष्ट और इष्ट का अविरोधक है, जो अविरोधक के साथ जुड़ना। अदृष्टेष्ट विरोधकम में से जो अ है ना उसको विरोधक के साथ जुड़ना। दृष्ट यानी प्रत्यक्ष और इष्ट यानी परोक्ष, दृष्ट यानी प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष और परोक्ष का जो अविरोधक है वो शास्त्र है। और कैसा है शास्त्र? तत्वोपदेश कृत, तत्वों का उपदेश करता है। करोते इति कृत तत्वोपदेशस्य कृत इति तत्वोपदेश कृत, या तत्वोपदेशम करोते इति तत्वोपदेश कृत, तत्वों का उपदेश करता है शास्त्र। दिव्य ध्वनि तत्वों का उपदेश करती है। और सार्वम, सार्व का अर्थ क्या होता है? सर्वेभ्यो हितम इति सार्व, सबके लिए हितकारी, इसलिए उसको सार्व कहते हैं। और का पथ घटन, मिथ्या मार्गों को विघटित करता है, नष्ट करता है, ये शास्त्र है। और ये क्या है? दिव्य ध्वनि। और फिर उसको गणधर सुनते हैं तो श्रुत हो जाती है। जो गणधरों द्वारा सुनी गई है वो श्रुत, और उनके पास सुनने की बहुत बड़ी रीति है, संपन्न श्रोत्र रीति, और चार मत ज्ञान संबंधित बड़ी बड़ी रीतियां उनके पास। तो वो बीजाक्षरों को और उनके अर्थों श्रुत हो जाती, और श्रुत होने के बाद में फिर ग्रंथ हो जाती। जब गणधर उनको अक्षरों में ग्रंथित करते तब वो ग्रंथ हो जाती। तो वो जो अक्षरों की संख्या बताई गई, पद कितने होते हैं, अक्षर कितने होते हैं द्वादश, उसके रचनाकार गणधर इसमें आप देखिएगा, श्रुतम मतिपूर्वम द्व्यनेक द्वादश भेदम, द्व्यनेक द्वादश भेद। अब इसमें अंग बाह्य क्या है वो बताइए, हम स्वार्थिक क्रमांक बताते हैं आपको। तेरा नंबर वार्तिक है, तेरा क्रमांक वार्तिक है, उसमें आप देख सकते हैं, आराती आचार्य कृतांगार्थ प्रत्यासन्न रूपम अंग बाह्य। आराती आचार्यों द्वारा विरचित अंग के अर्थ के निकटवर्ती जिसका रूप होता है उसको अंग बाह्य कहते हैं। यह गणधर शिष्य प्रशिष्य आराती, यही गणधरों के जो शिष्य प्रशिष्य आराती आचार्य हैं। और कैसे है वे? अधिगत श्रुतार्थ तत्व, जान लिया संपूर्ण श्रुत और
अर्थ और उनके स्वरूप को बुझेंगे। संपूर्ण आगम के ज्ञाता है, पदार्थों के ज्ञाता है और पदार्थों के स्वरूप के भी ज्ञाता है। अब कैसे होंगे वो सोच लो। आराती आचार्य श्रुत केवली से कम हो सकते हैं क्या? वो क्या करते हैं, काल दोषात, काल का दोष हो कहीं अथवा अल्पमेधायु बलाना, उस दोष के कारण अल्प बुद्धि, अल्प आयु और अल्प बाल वाले प्राणी नाम प्राणियों के अनुग्रहार्थम उपकार करने के लिए, अनुग्रह करने के लिए उपनिबद्धम वो रचना करते हैं। और वो रचना कैसी होती है, संक्षिप्तांगार्थ वचन विन्यास, अंगों का, संपूर्ण अंगों का संक्षिप्त अर्थ जिसमें आ जाए, ऐसे वचन विन्यास के माध्यम से वो अंग बाह्य की रचना करते हैं, उसी का नाम अंग बाह्य। तो जिनको अंगों का विस्तृत ज्ञान नहीं होगा वो उसमें से संक्षिप्त सार कैसे निकालेंगे? संक्षिप्त सार निकालने वाले कौन होते हैं पहले ये सोचो। विस्तार के ज्ञाता ही निकालते हैं संक्षिप्त सार। तो अगर अंगों का विस्तार से ज्ञान उनको न होता आराती आचार्यों को, तो फिर वो कैसे निकाल सकते थे अंग बाह्य को? तो अंग बाह्य की रचना श्रुत केवलियों ने की। और इस कारण दर्शन आचार्य हो या आचार्य पुष्पदंत भूतबली हो या फिर और भी जो भी बड़े बड़े आचार्य हैं, समंतभद्र आचार्य हैं, आचार्य अकलंक देव हैं, ये कोई भी आराती आचार्य नहीं थे, ये अनुवीची भाषक आचार्य थे। अर्थात अनुवीची, देखो असत्य दो कारण से निकलता मुख से, एक तो कषाय नो कषाय के कारण और दूसरा अज्ञान के कारण। अब कषाय नो कषाय में सत्यव्रत की जो पांच भावनाएं दी हैं उसमें दो कषाय पकड़ ली उनने और दो नो कषाय पकड़ ली, और उसमें भी एक कषाय और एक नो कषाय राग है और दूसरी कषाय और दूसरी नो कषाय द्वेष है। आप स्मरण करिए वो सूत्र क्या है सत्यव्रत की पांच भावनाएं, क्रोध लोभ राग द्वेष, क्रोध द्वेष है, लोभ राग है, और भीरुत्व हास्य, क्रोध और भीरुत्व जो है वो द्वेष में जाएंगे, लोभ और हास्य जो है वो राग में जाएंगे। तो इन राग द्वेष के कारण असत्य बोला जाता है, तो इनका त्याग करो बोलते समय, पूरा त्याग तो क्षय करने पर होगा पर बोलते समय इनका त्याग करके बोलो तो झूठ नहीं बोलोगे। जो कषाय जनित असत्य है वो इन चारों के त्याग से टल जाता है एक बात में। और दूसरा असत्य वो होता है कि आगम का ज्ञान नहीं है लेकिन समाधान करने बैठ गए, तो वहां पर जो असत्य का दोष लगेगा। जैसे आपको पता है कि शास्त्र में ऐसा नहीं है जैसा मैं बोल रहा हूं, तो फिर उसका बहुत बड़ा दंड होता है। प्रायश्चित शास्त्र में जो दंड संहिता में बहुत बड़ा दंड होता है उसका। आप सोचो कि अगर शील में दोष लगता है साधु को तो उनके लिए एक निर्धारित उपवासों की संख्या है और भी कुछ तपश्चरण है, तो उतने से उनका शुद्धिकरण हो जाता है। लेकिन अगर आगम से विपरीत बोल जाए साधु जानबूझकर, तो फिर उसका दंड पुनर्दीक्षा है। तो मान लो उनने कोई भी संख्या है उपवास की, लंबा चार पांच महीने तक उपवास किया उन्होंने, एक उपवास एक आहार ऐसा जो भी कुछ किया हो उस दोष के कारण, तो वो प्रायश्चित बड़ा है। अथवा जो आज तक की दीक्षा थी, मान लो 47 साल की दीक्षा है कोई साधु की,
और वो कैसे बोल रहे हैं, उसका श्लोक हम बता रहे हैं आपको। उत्सूत्रम बण्यते काम जिनेन्द्रोक्त मिति ब्रुवन यथा छंदो भवत्येष तस्य मूलम वितीर्यते। ये श्लोक है। अब ये श्लोक हमें वही आचार्यों के पास से सुनने मिला है और वो बहुत गंभीर विषय था इसलिए वो चर्चा निकली। वैसे तो प्रायश्चित सब सार्वजनिक नहीं होता, सबको नहीं बताया जाता, लेकिन हम ये बताना चाह रहे हैं कि आगम विरुद्ध बोलना कितना बड़ा दोष। जो आगम से विरुद्ध बोल रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि जिनेन्द्र भगवान ऐसा कह रहे हैं, तो यथा छंद नाम का दोष उनको लगता है। यथा छंद यानी स्वच्छंद, और उस दोष का प्रायश्चित पुनर्देश है। तो कौन सा प्रायश्चित बड़ा है? पांच महाव्रतों में दोष लगने पर जो प्रायश्चित है वो बड़ा है, या फिर आगम विरुद्ध बोलने में जो दोष लग रहा है वो बड़ा? तो ये इतनी गंभीर बात है, इसलिए अगर नहीं आता तो अपने सम्मान को धूल में मिल जाने दो, लेकिन सरल हृदय से कह दो, उत्तम आर्जव धर्म को प्रणाम करके कह दो कि मुझे नहीं आता। लेकिन यदि नहीं आता और फिर भी आपने आगम विरुद्ध बोला और ये कह करके बोला कि जिनेन्द्र भगवान ये ऐसा कहते हैं, तो फिर आप भी डूब गए और आपके श्रद्धालु भी डूब गए, क्योंकि श्रद्धालु अंधे होते हैं बिल्कुल। वास्तव में देखा जाए तो गुरु की आज्ञा के प्रति अंधे होना अच्छा है, लेकिन गुरु के उपदेश के प्रति जो स्वाध्याय वो पढ़ा रहे हैं वहां पर आपको अंधे होकर नहीं क्यों पढ़ना है? वहां पर आप पूरे प्रश्नोत्तर करके पढ़िए। आप देखिए सभी ग्रंथों, न्याय ग्रंथों में देख लो, या फिर वो बोलते हैं कि सांख्य मतानुसार शिष्य प्राह, सौगत मतानुसार शिष्य प्राह, क्या मतलब है? वो शिष्य है अर्थात मुनि है, आचार्य से दीक्षित है, और वो दीक्षित शिष्य एक विपक्षी बनकर के गुरु से प्रश्न कर, विनय का उल्लंघन नहीं कर रहा, सबसे बड़ी बात यह, लेकिन प्रश्न करते समय जैसे वो वहां से बोल रहा हो वैसे प्रश्न कर। और आचार्य बोलते हैं, बड़े प्रेम से समझाते हैं आचार्य कि अच्छा तुम सर्वज्ञ को नहीं मानते, कोई बात नहीं, हम भी नहीं मानते। तो बोले आप तो बार बार सर्वज्ञ सर्वज्ञ करते रहते हो, हम तो नहीं मानते सर्वज्ञ, फिर आप सर्वज्ञ सर्वज्ञ का नाम क्यों लेते हो? तो बोले तुम नहीं मानते हो ना, तो हम भी नहीं मानते कि इस काल में इस क्षेत्र में नहीं, हम भी नहीं मानते। लेकिन तुम हमें ये बताओ कि क्या सर्वकाल और सर्व क्षेत्रों में सर्वज्ञ है या नहीं? तो अगर वो शिष्य कहता है, आया वो उसमें कि नहीं किसी काल में सर्वज्ञ नहीं हो सकते और किसी क्षेत्र में नहीं हो सकते, तो फिर बोलते हैं कि तब तो आप ही सर्वज्ञ, क्योंकि सर्वकाल और सर्व क्षेत्र को जानने वाले का ही नाम सर्व है। तो ऐसा वार्तालाप होता है, ये जो वार्तालाप जो संवाद होता है ये ज्ञानियों के बीच होता है, विवाद हमेशा मूर्खों के बीच होता है। ज्ञानी कभी विवाद नहीं करते क्योंकि ज्ञानी स्यादवादी होते हैं, और अज्ञानी विवाद करते हैं क्योंकि वो हठवादी। स्यादवाद निर्विवाद है और हठवाद विवाद से परिपूर्ण है, और विवाद की बात ही नहीं है, ये वैचारिक आदान प्रदान है। वैचारिक आदान प्रदान है। आपके पास अगर आगम का समाधान हो तो बता दो, और आगम को तो जितने श्रद्धालु हैं कोई भी सम्यक दृष्टि आगम को अस्वीकार नहीं करता।
तो अभी अपन ने अंग बाह्य का यहाँ पर वर्णन पढ़ा था तत्वार्थ वार्तिक में कि अंग बाह्य क्या है, और उस गाथा में आचार्य वीरसेन स्वामी ने लिखा है जय धवला कि अंग और अंग बाह्य जिसका अनादि मध्य रहित और अंत रहित पवित्र शरीर है और जो द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नय रूपी चक्षुओं से शोभित है, ऐसी श्रुत देवी रूपी माँ को मैं सदा नमस्कार करता हूँ। और जिनसे आचार्य महाराज ने भी, उनके शिष्य ने भी, अभी अपन ने देखा महापुराण में उन्होंने क्या कहा, अभी अपन यही चर्चा कर रहे थे कि शास्त्र क्या है। तो शास्त्र से प्रकट जो दिव्य ध्वनि वाणी है वो शास्त्र है, और श्रुत क्या है, गणधरों द्वारा जो सुना गया है वो श्रुत है, और ग्रंथ क्या है, जो गणधरों ने सुन करके उसको 12 अंगों में निबद्ध किया, ग्रंथित किया, वो ग्रंथ है। और जो निर्दोष आचार्यों की श्रुत परंपरा से आया, आ गच्छति इति आगमः, जो आ रहा है, चला आ रहा है, वो आगम। फिर इनके जो रूढ़ अर्थ है वो अपन देखें तो चारों एक अर्थक है, और आगम को विशेष रूप से सिद्धांत रूप माना जाता है और अध्यात्म को सिद्धांत का सार माना जाता है, इतना है। और फिर आज अपने पास चार अनुयोग भी हैं, वो भी आचार्यों के द्वारा प्रदत्त है। समंतभद्र स्वामी ने चार अनुयोगों का वर्णन किया, पंचास्तिकाय के अंत में जयसेन आचार्य ने चार अनुयोगों का वर्णन किया, यशस तिलक चंपू में चार अनुयोगों का वर्णन आया, आदि पुराण में चार, महापुराण में चार अनुयोगों का वर्णन आया हुआ है। ऐसे इन चार ग्रंथों में और इनके अतिरिक्त भी अन्य ग्रंथों में आया होगा, ये तो अनुयोग हो गए। तो ये आगम की श्रद्धा सर्वोपरि है, जिन वच में शंका न धार। और एक विशेष बात ये है कि गुम्मट सार जीव कांड में 27 नंबर की गाथा है, कसाय पहाड़ में 107 नंबर की गाथा, और लब्धिसार में भी हम निकाल रहे हैं, में अभी हमारे पास इसमें खुल नहीं है। एक 105 के आसपास हो गई बात लब्धिसार। तो इन गाथाओं में भी बहुत गंभीर बात कही है आचार्य महाराज ने, उन्होंने कहा कि सम्मा इट्ठी जीवो वीठम पवयंतु सद्यः सद्यः दे असद्भाव जान मानो कोई सम्यक दृष्टि जीव उपदिष्ट प्रवचन पर श्रद्धान करता है, लेकिन गुरु नियोग, गुरु के नियोग से
वो असत भाव असत्य तत्व पर भी श्रद्धा करने लगे। और इस गुरु नियोग की व्याख्या करते हुए लब्धिसार की टीका में जो लिखा गया है वो बहुत ध्यान देने योग्य विषय है और कसाय पावड़ में भी लिया हुआ वो विषय, वही हम आपको पढ़ के सुना दें। एक सौ पांच और 106 नंबर की आता है लगते सर। ये गाथा तो ठीक है, श्रद्धा के सब भाव जान मानो गुरु नहीं होगा। इसमें कुछ पूर्वार्ध उत्तरार्ध में थोड़ा थोड़ा अंतर है तीनों ग्रंथों में। कसाय पावड़ में थोड़ा अंतर है, लब्धिसार में थोड़ा अंतर है, जीवकरण में थोड़ा अंतर है। तो समुदे चल मलयम गाढ़ सद्दहदि तच्छयम अर्थम सद्दहदि असद भाव मजान मानो गुरु नहीं होगा, ये लब्धिसार। और सुप्ता दो तम सम्मम दरिशित जंतम जदान सद्दहदि सुच्छेव हवदि मिच्छा इट्ठी जीवो तरुपो। ये गाथा सर्वत्र एक जैसी है। इसमें आचार्य ये कह रहे हैं कि सम्यक तो प्रकृति के उदय से अर्थात क्षयोक्षमिक सम्यक दर्शन के साथ ये संसारी प्राणी आगम वचनों पर श्रद्धा करता है, लेकिन गुरु के निमित्त से कोई असत्य बात पर भी श्रद्धा करता है। लेकिन जब उनको कोई उस समय दृष्टि जीव को जब तक श्रद्धान गलत चीज पर भी उसने श्रद्धान किया तो भी वो समय दृष्टि, पर जब उसके सामने आगम रख दिया जाता कोई अन्य आचार्य उपाध्याय उसको आगम प्रस्तुत करके समझाते हैं कि देखो आगम नहीं है, हम किसी का अपमान नहीं कर रहे, सभी छद्मस्थ हैं, चूक हो सकती है, केवली शुद्ध केवली तो नहीं कोई, तो ये देख लो ये आगम का सत्य ये है। तो आचार्य कहते हैं कि सुत्ता दो तुम सम्मम दर्शित जन सम्यक है, सम्यक भली भांति सूत्र से अर्थात आगम से वो दर्शाने पर जरा न सद्य, जब वो श्रद्धा नहीं करता नहीं बोले मेरे गुरु गलत नहीं हो सकते, तो सोचे भवे मिच्छा इट्ठी जीवो तदुपवन, उसी समय से वो मिथ्या दृष्टि बन जाता है। तब तक असत्य श्रद्धान करता हुआ भी सम्यक दृष्टि था और उसके बाद वो मिथ्या दृष्टि बन जाता, ऐसा कैसे? तो इसका समाधान यही है कि जिन शासन अत्यंत निष्पक्ष, यहां किसी का पक्ष नहीं चलता, साक्षात गुरु की बात भी अगर आगम से बाहर जा रही है और आप आगम को छोड़कर उनकी बात को पकड़ते हो, आगम को छोड़कर जब तक आपको पता नहीं है आगम तब तक आपने उनकी बात पकड़ी है, तो फिर वो आपके सम्यक को घातित नहीं करेगी, आपके सम्यक का घात नहीं करेगी वो श्रद्धा। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि आपका हृदय ये मान रहा है कि गुरु की वाणी ही भगवान की वाणी है, गुरु भगवान की ही बात मुझे दे रहा है, इस श्रद्धा के कारण सम्यक दृष्टि होता है। लेकिन जब भगवान की बात सामने आ जाए और आप भगवान की बात को छोड़कर गुरु की बात को पकड़ लें तो उसी क्षण मिथ्या दृष्टि हो जाए। जिन शासन कितना निष्पक्ष, यहां पर गुरु का पक्ष भी नहीं चलता, ये सर्वज्ञ का पथ है, सर्वज्ञ का मार्ग है। और इसमें कोई ऐसी अवमानना वाली बात नहीं है, कभी ऐसा लग सकता है किसी को कि अरे गुरु की बात को हम नहीं मानेंगे तो फिर हमें बहुत पाप लगेगा, नहीं लगेगा,
गुरु गुरु क्यों है पहले ये सोचो ना। आगम चक्षु साधु, उनके पास आगम रूपी आंख है इसलिए वो साधु है, और जो असाधु है वो गुरु नहीं हो सकते। तो अगर आंख में कोई रोग हो जाता है तो उस आंख को भी आप स्वस्थ मारोगे क्या? क्या वैयावृत्ति करके रोग को दूर करोगे? तो आग्रह का स्थान नहीं है यहां पर। अभी चार पंक्तियां है यहाँ पर। आज ही हमने एक चित्र देखा था, हमने बहुत दिनों बाद पढ़ी अपनी लिखी हुई पंक्तियां। दोनों आग जलाती आगम की कर्म को, आग्रह की धर्म को। आग तो आग है, क्षणिका है। कविता से छोटी छोटी रहती है, क्षणिका कह रहे थे। दोनों आग जलाती आगम की कर्म को, आगम में आग है वो कर्म को जलाती, और आग्रह की धर्म को, आग्रह में आग है उसमें भी वो धर्म को जलाती। आग तो आग है। जैनम जैत शासन अथापराणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियम पूर्वाचार्य अनुक्रमेण सकल कर्म क्षयार्थम भाव पूजा वंदना सर्व समेत शुद्ध भक्ति कार्य सर्व उत्तर